ये जो इंसिडेंट है ये 2015 का इंसिडेंट है। तो हम्म, एक्चुअली मेरा ससुरबुआ हमेशा ही जाता है, मतलब जंगल शिकारी के लिए। वो सिर्फ में नदी ये सब में भी वो जाता था। तो उस समय में मतलब उसके साथ में वो और एक और था जो हम लोग का ही भाई भैया लगता है, वो दोनों साथ में गया था। जी तो वो बोला था कि जाते समय में 21 सितंबर को वापस आना है, क्योंकि बच्चा लोग का एडमिशन था उसमें, तो फीस जमा करना था। तो वो बोला था हमको जाते समय में कि 21 सितंबर को वापस आ जाएगा। मैम, तो कितना ट्वेंटी वन तारीख को आप घर सेप्टेम्बर से निकला था, वो जो जी शिकार के लिए कितना तारीख को गया था घर से? एग्जैक्टली ना वो जो अगस्त का वो फर्स्ट वीक में गया था। हम भी घर में नहीं था क्योंकि हम भी स्टूडेंट था। अच्छा, तो जो घर में रहने वाला लोग हमको बताया है कि सितंबर अगस्त का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में गया था बोला है। बस जी आने का डेट बताया था कि 21 सितंबर तक वो आ जाएगा 2015 का। जी हम्म, तो ऐसे होने के बाद में जब 21 सितंबर नहीं सितंबर तक नहीं आया, तो उसका जो फ्रेंड है जो साथ में गया था उसमें, तो वो जो जाके आया है, आने वाला जो हम लोग को बताया कि तुम्हारा जो है ससुर बुरा है वो जो आगे शिकार करेगा बोल के वो रह गया है। हम बीमार होके हम थोड़ा मतलब बदन ठीक नहीं होके हम आ गया है, वो 2-3 दिन और रहेगा बोला है। तो ऐसे बोल के वो वापस आ गया बोला। अच्छा, जो तो साथ में गया था उसका नाम क्या है मैम? उसका नाम ताकायोची है, अच्छा, उसका ताकायोची। उम्र हाँ अभी 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 भी वो है, प्रेजेंट है वहाँ पे? हाँ हाँ अभी भी है, अभी भी है। हम उसको बुलाया है, तो हाँ अगर जरूरत पड़ने पर उसको हम जी, उसके भी उससे भी बात करेगा थोड़ा बाद में हम लोग। मैम, जी जी उसका एज कितना होता होगा अभी वाला जो प्रेजेंट एज है? जी तो मतलब बहुत बुरा हो चुका है एज का, तो हमको आइडिया नहीं, जी जी लगभग जी 60-70 तो हो ही गया होगा। अच्छा, और आपका ससुर बुरा का कितना होता होगा? मेरा भी लगभग उस समय में जब गायब हुआ था वो था उसमें 37-38 का था। अभी तो 7 इयर्स जी हो जी चुका है, तो जी 40-45 तक तो हो गया होगा। जी उसका बाद वो लोग वापस 11 सितंबर को, वो जो अकेला वापस आ गया ना? हाँ वो अकेला आ गया, वो आने वाला जो अकेला आ गया, तो वो बोला। तो फिर हम लोग 21 सितंबर तक वेट किया, तो 21 सितंबर तक नहीं आया। तो नहीं आने के बाद में हम लोग उसको पूछा है कि वो अभी तक नहीं आया, क्या हो गया? तो वो बोला है कि वो आगे जाएगा बोला था, तो शायद वो रह गया होगा बोला। तो फिर भी वो नहीं आया। फिर हम लोग गया, फिर जाके हम लोग 21 सितंबर के बाद में हम लोग कुछ 2-3 लड़का जितना भी हम लोग का है लेकर गया जाने के। उसका खुद का बेटा भी गया है, मेरा हस्बैंड भी गया था उसमें ढूंढने के लिए। तो हम लोग ढूंढने के लिए गया है, तो ढूंढने के लिए गया है तो कुछ भी आस पास में कुछ भी आता पता नहीं है उसका। उसका जो जो जितना भी उसका बिलोंगिंग्स था ना, जैसे कि कपड़ा हो गया, बर्तन जिसमें वो खाना बनाता, और वो कुछ जंगली जानवर भी मार के रखा हुआ था, सुखा के रखा हुआ था, उसको हम लेकर आ गया। तो लेकिन वो आदमी वो नहीं सब था वहां पे, आदमी नहीं था। उसका तो कुछ कपड़ा हम वगैरह ऐसे कुछ रिकवर हुआ था वहां से? हाँ कपड़ा उसका जैकेट रिकवर हुआ था। उसके बाद उसका जो खाने वाला बर्तन होता है ना, और चम्मच और वो क्या था जो उनका पॉकेट में लेकर जाता है, और जो जैसे कि हम लोग जाते समय में वो लोग 3-4 दिन के लिए जाते हैं उनसे, वो राशन पानी लेकर जाता है, वो चावल वावल हम रिकवर कर लिया था उस समय में। तो एवरीथिंग वहां से हम लोग लेकर वापस आने के बाद में फिर हम लोग जो साथी गया है उसको पूछा है, वहां में नहीं है। क्योंकि अगर कहीं जानवर खाता तो वही कहीं होता, क्योंकि मेरा हस्बैंड लोग ढूंढने गया था उसको, ढूंढ के 7 7 ना 8 डेज के बाद वो लोग वापस आया। तो वहां पे मतलब कुछ भी नहीं मिला है, आगे भी नहीं कुछ कुछ भी, आगे मरने का भी कोई निशान नहीं है, कोई चप्पल ना खून कुछ भी, मतलब इंसिडेंट का तो कुछ नामो ही निशान नहीं है। मतलब कंप्लीट सब गायब था आदमी, जो कुछ जी कंप्लीट गायब था आदमी जो वहां से? जी हाँ कंप्लीट आदमी गायब था, मतलब कंप्लीटली गायब था उसका, जी मतलब मैम, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी निशान बिल्कुल भी नहीं था उसका। और जानवर खाया है तो उसका लाश ढूंढना, लाश हाँ, ढूंढने या कुछ गया था बॉडी तो का पार्ट्स कुछ कुछ मिलना था? हाँ कुछ भी नहीं मिला हम लोग को वहां पे। तो हम लोग वहां से वापस आके हम लोग पूछा अभी जो जो उसका साथ गया है, तो वो बोला है कि शुरुआत में वो हम लोग को नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है बोलकर। फिर बाद में वो जब हम लोग 2 बार हम लोग सर्च ऑपरेशन करके जाके वापस आया, तब वो हम लोग को बताया कि वो आगे जा रहा था, उसके बाद हम पीछे में था, उसको लेते हुए देखकर वो भाग के आ गया बोला। और वो चीज हम लोग को वो बताने के लिए डर रहा था, ताकि हम लोग मतलब उसका अगेंस्ट कुछ केस उस ना कर दे, इसीलिए वो हम लोग को नहीं बताया। वो कुछ आदमी देखा था मैम? हाँ वो देखा है बोला उसने। उसमें अच्छा, जो हम लोग का वहाँ पे ऐसे यूजुअली मतलब बहुत नजदीक है हम लोग का बॉर्डर जो ना, तो हम लोग
भी होता है वो बॉर्डर का उस पार बॉर्डर में शिकार नहीं करते हम लोग, हम लोग शिकार जी करते बॉर्डर का अपना साइड में जो इंडिया का साइड होता है ना, जहाँ में ताजी बोगो बोल के पास है वहाँ पे, उससे आगे हम लोग जाके शिकार नहीं करते, उससे आगे चाइना का होता है, चाइनीज जितना भी उनका होता है। कितना किलोमीटर होता होगा मैडम, ऐसे कुछ आइडिया? किलोमीटर तो हमको आइडिया नहीं है क्योंकि हम खुद से वहाँ गया नहीं है ना, तो हम भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि कितना किलोमीटर लगता है उसमें। कैसे अराउंड कितना होता होगा? 4-5 किलोमीटर? हाँ ऐसे कुछ ही होगा, मैं दिखाई देता है हम लोग का यहाँ अच्छा, से अच्छा, इस साइड, हाँ उस साइड देखेगा तो दिखाई देगा आपको। अच्छा चाइना बाजार मतलब पूरा दिखाई देता है ना? दिखाई देता है यहाँ से, दिखाई देता है उन लोग का रोड लुक दिखाई देता है ना। अच्छा। तो वो लोग भी हम लोग का इस साइड देखने से दिखाई देता है। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, पुलिस होते हैं, कुछ FIR वगैरह दिया था? हम लोग ने सब कुछ किया, FIR हम लोग ने लॉन्च करने के लिए किया, लेकिन FIR हम लोग का नहीं लिया, हम लोग को कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। हम लोग किरण रिजिजू को भी एक मेमोरेंडम डाला था, जो कागज मेरे पास है, अभी हम वहाँ से मंगवाया है क्योंकि वो अच्छा, फाइल अच्छा। ऊपर मोनीगांव में रखा हुआ है, तो 2-3 दिन में वो फाइल भी आ जाएगा। तो अच्छा, हम लोग एक मेमोरेंडम भी डाला था, लेकिन रिजिजू सर ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं किया हम लोग को। उसके बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हम लोग का वहाँ का होता है, उसको भी हम अप्रोच किया, क्योंकि हम लोग मेरा तो ससुर बुआ तो ऑलरेडी डेड था और हम भी बहुत छोटा था, और मेरा जो जितना भी 40 साल लोग है ना, वो लोग भी बहुत ही छोटा था। जो लास्ट का साला था वो 4 साल का था, और जो लड़की है वो 8 ना 9 साल का था, और एक दूसरा जो है वो 13 ना 12 साल का था। टोटल बच्चा कितना है मैम आप लोग का? टोटल बच्चा 5 है, 2 लड़का है और 3 लड़की है। तो ऐसे हो के हम लोग आर्मी को भी हम लोग अप्रोच किया, मोनीगांव में भी हम लोग जाके बोला है ऐसे ऐसे हो गया, प्लीज आप लोग देख दो या फिर गवर्नमेंट से बात कर दो ना, वो लेकर तो चला गया है, आप लोग बात कर देगा तो वो वापस कर देगा, क्योंकि वो वहाँ पे कुछ करने नहीं गया, वो शिकार के लिए गया है। मेरा पास उसका शिकार का सामान भी है ना, और जो मीट वो लोग सुखा के रखा था वो भी मेरा पास है, ऐसा बोला है। पर फिर भी वो बोला है कि हम लोग इससे कुछ नहीं कर सकते, आप हाई लेवल में ट्राई करो, हाई लेवल से बात करो, ऐसे बोल बोल के। और हम लोग को तो कोई सुनता ही नहीं था उस समय में, कि कोई भी हेल्प रेडी नहीं है हम लोग का। तो फिर वहां से हो पाने की वजह से हम आलो आया, आलो आकर मेरा हस्बैंड और मेरा जो हस्बैंड का जो चाचा जी है, हम लोग आलो आया, आलो आके भी आलो में भी हम लोग आर्मी से बात करने के लिए किया, तो वो तो बोलता है कि आप लोग का कोई इससे हम लोग कोई रिलेटेड ही नहीं है, ये जो कुछ भी होगा आप लोग FIR लॉन्च करके जो कुछ भी करना है करो। फिर पुलिस को हम लोग FIR देने के लिए किया, तो वो बोलते ये तो जंगल में किया बोला, अभी वो जंगल में जाके कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, ऐसे बोला। जिसका वजह से हम लोग का पूरा उम्मीद ही टूट गया। तो हम लोग सोच लिया कि हो जाएगा, ले लिया तो ले लिया, क्या कोई मदद करने के लिए है ही नहीं है, तो हम मतलब वो अगर खुद से सजा काट के आ जाता है तो तभी का वेट करेगा, तब तक के लिए हम अपना बच्चा पालेगा ना, उसके जो चला गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर पहले जब क्या हुआ था, एक साल पहले 5 लड़का को छोड़ दिया गया था, हम सोचा था कि उसमें भी एक बार हम भी अपील करेगा, लेकिन मेरा पास कुछ नहीं था उसमें, कोई मतलब कोई शुरुआत ही हम कहाँ से करें, मैं समझ में नहीं आ रहा था। फिर अभी जब नीरम तारम को देखा है तो मतलब एक अजीब सा मतलब एक होप क्रिएट हुआ मेरा ऊपर में, कि शायद अगर हमको भी मदद करे तो मेरा भी ससुर बुरा वहां से वापस लौट के आ सकता है। अच्छा, मतलब अरुणाचल गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी हो हमको मतलब ला देगा, क्योंकि मतलब आदमी जैसा भी हालत में हो, मतलब मर भी जाए तो भी उसका इतनी चेहरा तो देखे हम लोग ना। अभी जो उसका लास्ट बेटा है जो 8 ना 9 साल का है, वो अभी हमको वो वीडियो जो मीरम तारम का वीडियो को देखे वो क्या बोल रहा है कि मतलब सबका आ रहा है, पहले भी आया, ये भी आ गया, तो भाभी मेरा पापा कब आएगा वो पूछ रहा है, तो जिसको हम कोई आंसर ही नहीं दे सकता है। हम उसको यही बोल कि वो आ जाएगा, आप मतलब चिंता मत करो, तुम जब बड़ा हो जाएगा वो आ जाएगा। तो मीरम तरम का जो केस को देखकर हमको लगा कि थोड़ा बहुत मतलब मेरा भी हम भी मतलब आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं मतलब ना आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरा हम उम्मीद भी मेरा बहुत ही ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है मेरा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है ना, और जितना भी डिफेंस मिनिस्टर जो भी है, जितना भी डिफेंस है, सबसे मेरा बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेशन है कि वो लोग हमको जरूर मदद करेगा, प्लीज और मदद करो भी हम सोचता है। लास्टली मैडम, आपका जो अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप लोग का लोकल MLA है, उसके बाद जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट है, पेमा खांडू जी है, उनको आपका क्या रिक्वेस्ट रहेगा कि उसको वापस लाने के लिए? नहीं अभी मेरा तो यही एक रिक्वेस्ट है कि अभी 7 इयर्स हो गया है ना, 7 इयर्स हो गया है, तो ये हम वो लोग भी नहीं बोल सकते कि वो अभी भी जिंदा है ना, और हम भी, लेकिन
हमको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो लोग का मतलब कब्जा में ही है, वो लोग ही उसको कैप्चर करके रखा है, इसीलिए अभी भी हो सकता है उसमें होगा भी। मेरा हम लोग 100% तो श्योर है वो है ही है। तो मेरा मतलब पेमा खांडू सर से यही एक रिक्वेस्ट है, जितना भी अरुणाचल का जितना भी अरुणाचल गवर्नमेंट से जितना भी है, तो अगर है तो प्लीज मतलब एटलीस्ट मतलब वहां से लेकर हम लोग को सकल तक दिखा दे दीजिए ना, घर उसको सेफ्टी घर पहुंचा दीजिए। यही मेरा एक मेरा हाथ जोड़ के विनती है उन सभी से जिसके पास में पावर है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकता है, तो जिसके पास पावर है प्लीज अगर आप लोग से हो सकता है आप प्लीज कर दीजिए उसको वहां घर में सेफली ला दीजिए हम लोग को। अगर वो मर भी गया हो तो भी हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिए, अगर वो जिंदा है तो हम लोग को वापस ला दीजिए। मर भी अगर लाश उस भी नहीं मिलता है, पर एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन दीजिए कि मतलब हम हाँ आदमी जिंदा है या फिर मर गया। अच्छा, ठीक अगर ठीक जिंदा है तो प्लीज हमको घर तक ला दीजिए ना, जैसे मतलब मिलन तरम को जैसे सभी मिलके सभी उसको सपोर्ट करके उसको सेफली घर लेकर आया है, वैसे मेरा मतलब फादर इन लॉ को भी सभी सपोर्ट करके उसको सेफली घर में वापस ला दीजिए। क्योंकि ये 7 इयर्स वेट करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, और बहुत ही मुश्किल से ही हम बच्चा लोग को भी पाल पोस के बड़ा किया है, और अभी बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है मेरे पास कोई जवाब देने का है ही नहीं है। इसीलिए हम ये लास्ट एक ट्राई कर रहा, निरंतरम के वजह से ही हमको एक स्ट्रोंग फीलिंग आया है, इसीलिए हम इसको मतलब सभी से हम रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो भी हो जैसा भी हो मतलब अगर है तो प्लीज हमको उसको अरुणाचल या फिर हमको इंडिया में वापस लाने में हेल्प कर दीजिए। यही है हमको सभी से अपील, जितना भी जो पावरफुल जो जितना जिसके पास जितना भी पावर है वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस रोने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अभी जो एक उनका जो बेटी है उनका जो डॉक्टर इन लॉ है उनसे जी जस्ट अभी मेरा एक उन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया था कि इस विषय में आप कुछ बोलने से ठीक है। तो जो कहानी मैं सुना हूँ कि जो कपोर पुलोम जो था वो और उनका जो दोस्त था अकाई ओरची, ये दो लोग थे, वो गए थे 2015 में पीएलए के पास, और वो पीएलए में इन पीएलए एरिया मीन्स जहाँ जो बॉर्डर एरिया होता है वहाँ शिकार करने जाते हैं, तो उस समय में पीएलए ने उनको एबडक्ट किया था 2015 में, 2015 को। लेकिन इसमें क्या कूटनीति होता है, क्या डिप्लोमेसी होता है, क्या डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, इस विषय में तो मैं ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहता। और इसमें क्या इसमें गुणवत्ता होगा कि अभी सही है या वो सही सलामत है, या उसको ऑलरेडी चीन में उसको जो हम कहते हैं कि वहाँ जो हान जो रेसिडेंट्स है जो वहाँ टिबेटेंस थे वहां से तो उनको बहुत लोगों को हटाया गया, और वहाँ हान जो कम्युनिटी है जो जिंगजांग प्रोविंस के लोग है, तो वहां में पूरा जो सीमा इलाके में सब बैठाया गया है। तो इसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें है जब उस दिन जो लड़का मीरम तरम को एक इंटरोगेशन हो रहा था उसमें पता लगा है कि उनका जो मीरम तरम को जो इंटरोगेट कर रहा था तो वो बोकार में बात कर रहा था। तो लेकिन हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो बोकार है, इदू है, या हमारा मेंबा है, खंबा है, ये लोग अक्रॉस द बॉर्डर उनका नियरली सेम होता है लैंग्वेज, जो 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर में आता है। हाँ, तो इसलिए मैं कहूंगा, मैं दरखास्त करूंगा कि अगर ऐसा कोई इसमें आप जो हमारा केंद्र सरकार है, चाहे वो हमारा विदेश मंत्रालय हो या चाहे हम रक्षा मंत्रालय हो, इसमें ये जो आदमी जो अभी जो उनका फैमिली मेंबर्स है, जो उनका परिवार है, वो अभी हमको फोन करके बोला है कि 7 साल बीत चुका है, हम हर बार इसको हम बोल रहे हैं। शायद हमारे एमपी साहब किरण रिजिजू है, उनको बोला होगा, या हमारे वहाँ का स्थानीय विधायक है उनको भी बोला होगा, लेकिन ये बात है वो आगे नहीं बढ़ा, और आर्मी वाले जो है उसको शायद दबा दिया है। तो इसको अगर वो आर्मी जिंदा है तो उसका कम से कम पूछताछ तो हम कर सकते हैं। तो ये हमको कोई एक डायरेक्ट तो हम यहाँ से आवाज उठाने से भी उससे तो कुछ होगा नहीं, या आपके माध्यम से आपका जो चौथा स्तंभ है
जो अभी सीओमी वाला जो इश्यू हुआ था, जो हमारे टूटिंग में जो इश्यू हुआ था, या हमारे वो अपर सुबनसिरी में जो हुआ था, तो ये सब इश्यूज को अगर आप मुद्दा को उठाते हैं तो आवाज वहां तक पहुंचती है केंद्र सरकार में। तो ये बहुत अच्छा चीज है कि आपने आप खुद हमको इसको पूछा है कि आप इस विषय में क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे अगर परिवार सोचते हैं कि वहां सही सलामत उनका पिताजी है तो हम कोशिश करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में हमारे जो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मिस्टर रिविया साहब और तपिरगांव जी, वो इस मुद्दा को उठाएं और पूछे और केंद्रीय मंत्री भी हम गुंजाइश करेंगे कि वो भी उनका जो अपना टॉप लेवल जो जिसको कहते हैं कि हॉटलाइंस में वो कुछ कोशिश करे कि आदमी कहाँ है, उसका रहन सहन कहाँ, जिंदा है कि नहीं, इसका विषय में उनका थोड़ा पूछताछ करे। पहले सर आप फैमिली वाला से बात किया था, तो सर फैमिली से रिक्वेस्ट आया है कि आप कुछ मदद करें उन लोगों को, तो सर आपको क्या रिक्वेस्ट किया था फैमिली और आप उस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर? हाँ, फैमिली वाले जो है वो अभी हमको बोले हैं कि इस मुद्दा को आप उठाने से अच्छा है, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग लेट अस बी वेरी फ्रैंक, मैं इस एरिया जो क्योंकि हमारा क्षेत्र में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के एक नाते मैं इसको उठा सकूंगा, क्यों आज शाम को भी मेरे एनडीटीवी में हमारा एक कार्यक्रम है, एक डिस्कशन होगा ग्रुप, उसमें भी मैं इसको मेंशन करूंगा कि इस तरह एक हमारे बीच में एक तकाई और ची बोल के एक आदमी था वो वापस आ गया, लेकिन जो हमारे जो तपोर पुलम है जो सीओमी से था उमनिगोंग का, तो वो वहाँ शायद एबडक्टेड हुआ ना, वो लापता हुआ कैसा, उस विषय में इसको कम से कम इस मुद्दा को मैं उठा सकूंगा। लास्टली सर आप स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या रिक्वेस्ट करेंगे आपकी तरफ से? केंद्र सरकार को तो मैं लिख के ट्वीट करके मैं बोल दूंगा इस विषय में, क्योंकि बहुत दिन हो गया, 2015 में हुआ था तो 7 साल हो गया, तो इस विषय में क्योंकि वो फैमिली वाले हमको आवाज उठाने के लिए कह रहे हैं तो मैं उसको जरूर उठाऊंगा। इस मुद्दा को मैं केंद्र सरकार हो या हमारे राज्य सरकार हो उसमें हम जरूर लिखेंगे और ट्वीट भी कर दूंगा, फेसबुक में डाल दूंगा और उसके आपके माध्यम से मैं इसको मैं अपना आवाज है उसको मैं जरूर मैं पहुंचाने के लिए कोशिश करूंगा। जी जी, थैंक यू सर हम लोग से बात करने के लिए, धन्यवाद।